पुलिस की जांच के साथ बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में खुल रही है नई परतें। हत्याकांड में शामिल थे 6 आरोपी, अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, 3 शूटर्स की तलाश जारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया है। सुबू लोनकर का भाई है प्रवीण लोनकर। सुबू लोनकर ने ही फेसबुक पोस्ट पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। बाबा सिद्दीकी के हथियारों का बड़ा खुलासा, आरोपियों को जिशान और बाबा सिद्दीकी दोनों को मारने की सुपारी दी गई थी। बिश्नोई गैंग के टारगेट पर दोनों ही थे। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है, शूटर से कहा गया था कि दोनों को एक साथ मारने का मौका नहीं मिल पाए तो जो भी सामने आए उसे ही मारते। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सूत्रों के हवाले से खबर है, 2.5 से 3 लाख रुपए में ली गई थी हत्या की सुपारी। सुपारी लेने में 4 लोग शामिल थे, सभी लोगों में बांटे जाने थे 50-50 हजार रुपए। मुंबई पुलिस ने दिल्ली के अलावा यूपी और हरियाणा पुलिस से संपर्क किया है। आरोपियों के बैकग्राउंड, राज्य में दर्ज मामलों की जानकारी हासिल करने की कोशिश, लॉरेंस गैंग से कनेक्शन की भी जांच पड़ताल जारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नलवाड़े ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई के एंगल से जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच की 15 टीमें हत्याकांड की छानबीन कर रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी शिवा के परिजनों की एबीपी न्यूज से खास बातचीत। शिवा की मां ने एबीपी न्यूज से कहा, नौकरी के सिलसिले में पुणे गया था शिवा, 2 महीने में कभी कभार होती थी उनसे बातचीत। बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाले शूटर धर्मराज की मां ने किया बड़ा खुलासा, 2 महीने पहले ही काम करने पुणे गया था धर्मराज, परिवार को भी नहीं पता वो इस मामले में कैसे शामिल हो गया। कैथल के गांव नरण का रहने वाला है बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में आरोपी गुरमैल, नरण गांव में भी फैला हुआ कि उसका खौफ, गांव के ही एक शख्स की हत्या वो कर चुका है पहले। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी गुरमैल सिंह का सोशल मीडिया अकाउंट से खुलासा हुआ, पुलिस कस्टडी के दौरान भी बयान उसने वीडियो बनाया था, जेल में ही लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया था गुरमैल सिंह। बाबा सिद्दीकी की हत्या की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली, बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, पोस्ट में सलमान खान का भी जिक्र किया, हालांकि एबीपी न्यूज इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। बिश्नोई गैंग की वायरल पोस्ट की पड़ताल में जुटी केंद्रीय एजेंसियां, शुभू के नाम से सोशल मीडिया हैंडल है, लॉरेंस के करीबी शुभम से जोड़कर शुभू को देख रही है इस वक्त एजेंसियां। मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले की जांच के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन और ओंकारेश्वर पहुंची, सूत्रों के हवाले से खबर, एक आरोपी की आखिरी लोकेशन एमपी में मिली थी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल, उन्होंने कहा कि सिर्फ सुरक्षा देना ही काफी नहीं है, धमकियां कहां से आई और क्यों आई इसकी भी जांच करना पुलिस का ही काम है। एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र आह्वान ने कहा, सरकार का पुलिस के काम में दखल देना गलत है, सत्ताधारियों के पुलिस प्रशासन में दखल अंदाजी करने के कारण मुंबई के 12 बच गए। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान, कहा अगर धमकियां मिली थी तो उन्हें उचित सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्या मामले पर कहा, मुंबई पुलिस और सरकार को घटना में सख्त कार्रवाई करनी होगी, मामले में नहीं होनी चाहिए राजनीति। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, बोले बाबा सिद्दीकी की हत्या में 2 शूटर फौरन पकड़े गए, ऐसे मौके को भी भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है विपक्ष। एबीपी न्यूज पर बोले शाहनवाज हुसैन, बाबा सिद्दीकी के पास थी पूरी सुरक्षा, घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है जैसे उनको मौका मिल गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले, बिश्नोई गैंग हो या कोई और, किसी को भी सरकार छोड़ेगी नहीं, जिनको धमकियां मिल रही हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है, महाविकास अघाड़ी ने कानून व्यवस्था पर उठाई सवाल, शिंदे सरकार को बताया भ्रष्ट सरकार। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी से मुलाकात की, पिता की मौत पर ढांढस बंधाया, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया।
बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ किया गया सुपुर्द खाक। राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी में अंतिम विदाई उनको दी गई। बड़ा कब्रिस्तान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़। अंतिम सफर के दौरान लोगों का हुजूम दिखाई दिया। सुरक्षा के बीच तिरंगे में लिपटा बाबा सिद्दीकी का शव कब्रिस्तान पहुंचा था। बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में पहुंचे कई बड़े नेता। डिप्टी सीएम अजित पवार समेत दिग्गज नेताओं ने बाबा सिद्दीकी को आखिरी विदाई दी। बाबा सिद्दीकी के आवास पर कलाकारों का जमावड़ा भी लगा। श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे बॉलीवुड के सितारे। पूजा भट्ट, सयाजी शिंदे और सलमान के भाई सोहेल खान भी दिखाई दिए। बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे सलमान खान। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी काफी करीबी रहे थे। अक्सर दोनों के साथ में तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती थी। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं सलमान खान। बाबा सिद्दीकी से थी सलमान की गहरी दोस्ती। अब आइए आगे बढ़ते हुए यूपी के बहराइच में क्यों मचा है इस वक्त बवाल। उपद्रवियों को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा है। इन सब के बीच डॉक्टर्स की हड़ताल के ऐलान ने एक बार फिर से लोगों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। इनसे जुड़ी तमाम अपडेटेड खबरें आपको देते हैं मौसम। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। दो पक्षों के विवाद में एक समुदाय के लोगों पर फायरिंग का आरोप है। गोली लगने से एक युवक की मौत हुई है, 7 लोग घायल हुए। जुलूस निकलने के दौरान एक पक्ष के लोगों ने डीजे बजाने पर आपत्ति जाहिर की। कहा सुनी के बाद विवाद बढ़ गया। नौबत पथराव और गोलीबारी तक आ पहुंची। बैराज की घटना के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। शव रखकर प्रोटेस्ट किया गया। घटना से इलाके में तनाव का माहौल। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। बहराइच में हुए बवाल में एसपी वृंदा शुक्ला का बयान। सलमान नाम के उपद्रवी समेत कई के खिलाफ नामजद एफआईआर। गोली चलाने वाले युवक को हिरासत में लिया गया है। बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही हैं टीमें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट। लिखा, बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी देती है सरकार। विवाद की आशंका को लेकर बदला गया था मूर्ति विसर्जन का रूट। पुराने रूट से ही मूर्ति विसर्जन करना चाहते थे गांव वाले। पुलिस के रोकने पर लोगों ने पथराव किया। गढ़वा की घटना को लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का एक्स पर पोस्ट। उन्होंने लिखा, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश। तुष्टिकरण की राजनीति के चलते राज्य सरकार की चुप्पी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अराजक तत्वों ने हमला कर दिया। पूजा पंडाल में लिखे नारे के खिलाफ तोड़फोड़ की। पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियों को भी निशाना बनाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल पहुंचेंगे इस्लामाबाद। शाम को एससीओ डिनर में होंगे शामिल। 16 अक्टूबर को होगा एससीओ शिखर समिट। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विदेश मंत्री। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हमारे राजनीतिक संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। 1962 में आजादी के साथ ही अल्जीरिया से बने राजनीतिक संबंध। मध्य प्रदेश में मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे पर कांग्रेस ने दबंगई का आरोप लगाया। मंत्री के बेटे का पुलिसकर्मी को धमकाने वाले वायरल वीडियो को शेयर करके उठाए कांग्रेस ने सवाल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे का पुलिसकर्मी को धमकी देते वीडियो वायरल। पुलिसकर्मी को वर्दी उतरवाने की धमकी दी। 9 अक्टूबर की रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। पंद्रह अक्टूबर को देशभर में अनशन करेगा आईएमए। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक होगा अनशन। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर चल रहे डॉक्टर्स के अनशन का समर्थन। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने सभी मेडिकल संगठनों के 2-2 प्रतिनिधियों को आज बातचीत के लिए बुलाया। दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य भवन में होगी बैठक। बुलडोजर एक्शन को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की मांग, अवैध तरीके से बुलडोजर चलाने के मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी और शिवलिंग को लेकर की गई विवादित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है ये मामला। झारखंड के चतरा से बीजेपी सांसद कालीचरण की बिगड़ी तबीयत। छाती में अचानक से तेज दर्द होने के बाद बेहोश हुए। सदर अस्पताल चतरा में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर उनको रेफर किया गया।
लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद संभव है कि जल्द ही महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। साथ ही यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव की डुगडुगी भी किसी भी दिन बच सकती है, लिहाजा सभी दलों में मैराथन मंथन चल रहा है। क्या है सियासी हलचल, खबरों पर अपडेट 9 सेकंड न्यूज। महाराष्ट्र के पार्टी नेताओं के साथ आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दिल्ली में करेंगे बैठक। चुनाव तैयारियों और सीट बंटवारे को लेकर मंथन होगा। आज मुंबई में होगी एकनाथ शिंदे कैबिनेट की अहम बैठक। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। 3 दिन पहले ही कई योजनाओं का ऐलान किया गया था। यूपी में विधानसभा की 10 सीट के लिए उपचुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन किया गया। 8 सीट पर लड़ सकती है बीजेपी, आरएलडी और निषाद पार्टी को मिल सकती है एक एक सीट। 20 अक्टूबर तक जारी हो सकती है लिस्ट। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिल्ली में जेपी नड्डा के घर हुई बैठक। चुनावी तैयारियों और उम्मीदवारों पर चर्चा। वसुंधरा राजे ने बैठक से दूरी बनाई। आज रांची में होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्य समिति की बैठक। हेमंत और शिबू सोरेन करेंगे अध्यक्षता। पार्टी विस्तार, चुनाव प्रचार प्रसार और गठबंधन से सीट शेयरिंग समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बोली सांसद सैलजा। चुनाव में प्रत्याशियों को खली, संगठन की कमी, हार की जा रही है समीक्षा, हर पहलू पर हो रही है चर्चा। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा किसानों ने बनाया माहौल लेकिन हुड्डा ने नहीं किया समझौता, हार की मुख्य वजह है हुड्डा। हरियाणा में बीजेपी विधायक दल का चुनाव करवाने के लिए अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी। पार्टी संसदीय बोर्ड ने अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का खड़गे को जवाब। कहा हार की हताशा और निराशा में वैचारिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं खड़गे। कांग्रेस पीएम का मुकाबला नहीं कर पा रही और इसलिए बदनाम करने की कर रही है कोशिश। हरियाणा के चरखी दादरी में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले चौधरी बंसीलाल के दामाद सोमवीर सिंह ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा जिसका टिकट कटा उसने भी किया भीतरघात। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर आपको अपडेट देते हैं। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। रविवार को जारी आधिकारिक आदेश के बाद केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता अब साफ हुआ। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार के शपथ की आज तय हो सकती है तारीख। शुक्रवार को ही उपराज्यपाल को समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जम्मू के डोडा में धन्यवाद रैली की। उन्होंने कहा बीजेपी ने दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर को भी हाफ स्टेट बना दिया है। उमर अब्दुल्ला को समर्थन देने का भी केजरीवाल ने ऐलान किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने धन्यवाद रैली में पीएम मोदी और अमित शाह को बताया अहंकारी। कहा जुमले और झूठ की चल रही है सरकार, विदेश दौरे पर नहीं अडानी के बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं पीएम मोदी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा डोडा के लोगों ने इतिहास रचा, हम पीएम मोदी के सामने नहीं झुके। दो दो बार सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। पीएम मोदी अचानक भारत मंडपम पहुंचे, गति शक्ति अनुभूति केंद्र और ओडीओपी केंद्र का दौरा किया, विकास कार्यों का जायजा भी लिया। रेलवे ने एक साल में 400 प्रोजेक्ट पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कहा, देवभूमि में नहीं चलेगा धर्मांतरण का खेल। धामी बोले उत्तराखंड के लोग जमीन और थूक जिहाद को नहीं करेंगे बर्दाश्त। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की अहम बैठक आज होने वाली है। पहले सत्र में जमीयत उलेमा हिंद रखेगा अपनी राय, दूसरे सेशन में हिंदू धर्मगुरु और वकील रखेंगे अपना पक्ष। यूपी के लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहा बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने का मामला। हमला करने वाले वकील पर कार्रवाई ना होने से नाराज विधायक ने वापस लौटाए अपने दोनों कनर। अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जब तक देश में सनातन जिंदा है तब तक है देश सुरक्षित। देश के कुछ नेताओं ने बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की। दिल्ली में महिला डॉक्टर से कथित यौन शोषण मामले में उपराज्यपाल से मिलने पहुंचा आप डेलीगेशन, डेलीगेशन से नहीं मिले उपराज्यपाल।
मेडिकल सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी की बात।